हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग रिपोर्ट। आज आप लोग को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा बोया का BY-M1 कॉलर माइक है। ये इसका रिव्यू भी दूंगा, फाइनल रिपोर्ट भी दूंगा, जिससे आप लोग को ये माइक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सब कुछ बताऊंगा। हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना, जब भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं इस बॉक्स को खोल के इसके अंदर में क्या क्या है। तो इसके अंदर में देख सकते हैं आप लोग, एक पाउच दिया है, पाउच के अंदर ही ये जो माइक है इसका पाउच के अंदर ही है, देख सकते हैं आप लोग। और देख सकते हैं इसमें और क्या क्या है, सब कुछ निकाल दिया है। और एक यूज़र मैनुअल भी दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें क्या है देखते हैं, इसमें क्या है देखते हैं, इसमें ये फॉर्म दिया हुआ है और एक एडाप्टर दिया हुआ है, देख सकते हैं एक एडाप्टर है, फॉर्म है और क्या क्या है देखते हैं। और इसमें एक ठो क्लिप दिया हुआ है, ये देख सकते हैं इसके अंदर में एक ठो क्लिप है जो आप लोग माइक को कॉलर में लगा पाएंगे। और क्या क्या है देखते हैं, और इसमें एक बैटरी भी दिया हुआ है जिससे आप इसको जब भी कैमरा में यूज़ करेंगे तो ये बैटरी आपको लगाना पड़ेगा। तो दिखाऊंगा आप लोग को कैसे लगाना है, सब कुछ दिखाऊंगा, तो देखते रहिए इस वीडियो को। अभी आप लोग जो भी सुन पा रहे हैं वो कॉलर माइक से ही, बोया का माइक से ही बोल रहा हूँ मैं। अभी जो ये आवाज़ सुन पाएंगे ये मैं मोबाइल का माइक से बोल रहा हूँ। तो देख सकते हैं बोया का माइक में एक स्विच दिया हुआ है, ये आपको स्मार्टफोन में भी आप जब यूज़ करेंगे तो स्मार्टफोन में देना होगा, जब कैमरा में यूज़ करेंगे तो कैमरा में देना होगा, तो इसके बाद आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। पहले जो आप लोग सुन पा रहे थे वो बोया माइक से मैं बोल रहा था, अभी जो सुन पा रहे हो वो मैं दूसरा माइक से बोल रहा हूँ। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इसका जो पाउच है इसका क्वालिटी भी सही है, अच्छा ही है, बिल्कुल अच्छा है, देख सकते हैं कोई ख़राब, थोड़ा बड़ा भी है साइज में, तो इसमें आराम से इसमें आप ये माइक लेके आराम से इसको कैरी कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, बिल्कुल अच्छा है ये, यहाँ देख सकते हैं। इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये जो बोया माइक है ना, इसमें आपको जो इसका केबल जो है आपको 20 फुट मिलेगा, तो आप 20 फुट दूरी से भी कैमरा में लगा के भी आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे आराम से। लेकिन ये माइक इंडोर के लिए ही ठीक है, लेकिन आउटडोर वीडियो के लिए इतना ये सही नहीं है। इंडोर में आप जो भी शूट करेंगे इसमें आपको भी नॉइज़ देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही से आपका जो आवाज़ है ये सही से आपका ये रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इसमें 20 फुट का केबल है, केबल भी आप बिल्ड क्वालिटी इसका देख सकते हैं, केबल भी अच्छा ही है, बिल्कुल अच्छा है, कुछ भी खराबी इसमें नहीं है। इसमें 3.5 mm का जैक भी दिया हुआ है, जब भी आप किसी भी मोबाइल पे लगाएंगे तो इजीली आप लगा पाएंगे, देख सकते हैं ये मेरे पास एक मोबाइल है तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 3.5 mm जैक आप यहाँ पे लगा के आराम से रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इसमें जो मोबाइल में जो इंटरनल जो कैमरा है इससे ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्ले स्टेशन से अलग से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं तो ओपन कैमरा ऐप यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी ओपन कैमरा ऐप यूज़ करके भी रिकॉर्ड आराम से कर पाएंगे बोया माइक से, ठीक है। और जब भी आप किसी भी DSLR या कैमरा में आप जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो इसके लिए आपको एक बैटरी इसमें इसके साथ आता है, दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं एक बैटरी है, इसको आपको यहाँ पे लगाना होगा। बोया का जो ये माइक है इसको खोल के आपको इसको खोलना है ऐसे, तो खोल के आपको यहाँ पे ये बैटरी डालना पड़ेंगे, यहाँ पे आप डाल देंगे तो आराम से ये आप किसी भी कैमरा में भी आप DSLR में भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको बैटरी को लगाना होगा, इसके बाद आप आराम से किसी भी कैमरा DSLR से भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। और जब भी आप मोबाइल में यूज़ करेंगे तो ये बैटरी लगाने का ज़रूरत नहीं है, ये बैटरी बिना लगा के आप आराम से यूज़ कर पाएंगे। इसका जो फॉर्म है देख सकते हैं, फॉर्म भी अच्छा है, इसमें जो ये माइक लगा हुआ है देख सकते हैं, ये माइक भी बिल्कुल अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सही है, इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और जब भी आप कैमरा में लगाएंगे तो इसमें एक ठो ये लेपेल पिन दिया हुआ है एडाप्टर, इसको आपको यहाँ पे 3.5 mm जैक जो है इसका यहाँ पे लगा के उसके बाद आप इसको किसी भी कैमरा DSLR में लगा के यूज़ करना पड़ेंगे, तो ठीक है, यहाँ से आप ऐसे यूज़ कर पाएंगे। मोबाइल में तो आप डायरेक्ट ये भी लगा के आप आराम से
यूज़ कर पाएंगे। तो मेरा हिसाब से फाइनल रिपोर्ट यही है, मार्केट में आपको 200-300 में भी, ऑनलाइन में भी कोई भी आपको कॉलर माइक मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा और पैसा लगा के ये बोया वाला जो 700-800 के अंदर में आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ये थोड़ा सा पैसा लगा के ये बोया वाला माइक ही लेना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो मेरा हिसाब से यही है, आप जो भी लेना चाहिए, अगर कोई भी कॉलर माइक आप खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बोया माइक खरीद सकते हैं, इसमें आपको पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे और एक मज़ेदार वीडियो के साथ। आज के वीडियो में इतना ही है, तो मिलते हैं और एक मज़ेदार वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।